कश्मीर में बढ़ेगी तिरंगे की आन बान और शान। 1 से 15 अगस्त तक निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। सैल्यूट तिरंगा के बैनर तले निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। देश की आजादी के बाद पहली बार निकलेगी ये तिरंगा यात्रा। धारा 370 हटने के लाभ भी इस दौरान इस यात्रा में बताए जाएंगे। तिरंगा यात्रा में रहेगी 25% महिलाओं की भागीदारी। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर सुधांशु माथुर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुधांशु जी, तिरंगा यात्रा पहली बार कश्मीर में आयोजित की जाएगी, वो भी 1 से 15 अगस्त के बीच। क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर और क्या मायने निकाले जा रहे हैं इस यात्रा के? देखिए, कश्मीर जिससे आजाद हुआ और 370 यानी कि 3 साल पहले जो 370 धारा यहाँ से हटाई गई, उसके बाद से कश्मीर के अंदर अमूलचूल जो है वो परिवर्तन देखा गया है। यहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो व्यवस्था है उसके अंदर बदलाव जरूर हुआ है। मैं पिछले 10 घंटे से जो है श्रीनगर के अंदर हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि जो श्रीनगर है वो भारत के अन्य राज्यों की तरह बिल्कुल सामान्य गति से चल रहा है। एक समय वो था जब कश्मीर को छोड़कर पूरे देश के अंदर लोगों में कश्मीर को लेकर एक अलग तस्वीर थी, लेकिन आज कश्मीर जो है वो शांति की राह पर आगे बढ़ रहा है। और शायद यही कारण है कि सैल्यूट इंडिया जो संगठन है उसमें 1 से 15 अगस्त तक पूरे कश्मीर में तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। इस तिरंगा यात्रा की सबसे खासियत बात यह है कि ये 6 स्थानों से, यानी कि कश्मीर को सैल्यूट इंडिया संगठन ने 6 भागों में बांटा है और 1 अगस्त को उन 6 स्थानों से एक साथ तिरंगा यात्रा शुरू होगी। एक जत्थे के अंदर करीब 2000 से ज्यादा बाइक सवार होंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 50% यानी कि 50% जो भागीदारी है वो महिलाओं की रहेगी। तो कश्मीर जैसे राज्य के अंदर महिलाओं का जो है इस तरह के राष्ट्रभक्ति के या राष्ट्र जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर आगे आना अपने आप में जो है वो बड़ी पहल है। और इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत जो है शंकराचार्य पर्वत से होगी और 15 अगस्त को जाकर इसका समापन होगा। हालांकि समापन के लिए किसी एक स्थान का निर्धारण नहीं किया गया है, ये माना गया है कि पूरे कश्मीर में लोग अपने घरों पर 15 अगस्त को तिरंगा लगाएंगे और मिठाइयां बांटेंगे और तिरंगे की आन बान और शान की जो है वो कसम उठाएंगे, यानी कि उसके प्रति अपनी वचनबद्धता है जो वो निभाएंगे। जी जी बिल्कुल सुधांशु जी, और देखिए गर्व की बात है कि सच बेधड़क जो है इस तिरंगा यात्रा का मीडिया पार्टनर बनने जा रहा है और ऐसे में जो है कश्मीर में इस तरह का ये पहला आयोजन होगा। वहीं श्रीनगर में शंकराचार्य पर्वत से शुरू होगी ये तिरंगा यात्रा, वहीं 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच यात्रा निकाली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी हमसे जुड़ने के लिए। वहीं आपको बता दें कि कश्मीर में अब तिरंगे की आन बान और शान बढ़ेगी। धारा 370 के यहां पर लाभ बताए जाएंगे हटाने के, और साथ ही जो है सच बेधड़क इस तिरंगा यात्रा का मीडिया पार्टनर होगा कश्मीर में।